नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप अपने आधार कार्ड में करेक्शन करना चाहते हैं, जैसे नाम में करेक्शन करना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करना चाहते हैं, या फिर एड्रेस में करेक्शन करना चाहते हैं, या फिर अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही घर बैठे अपडेट कर सकते हैं या फिर करेक्शन कर सकते हैं। कुछ लोगों को जानकारी ना होने की वजह से वो आज भी अपने आधार कार्ड में कुछ भी करेक्शन करवाने के लिए अपने नज़दीकी आधार सेंटर पर विजिट करते हैं और वहाँ पर जाकर अपने आधार कार्ड में करेक्शन, अपने आधार कार्ड में अपडेशन का कार्य करवाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस प्रकार आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही अपने आधार कार्ड में आप कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं, चाहे आप अपने नाम में करेक्शन कर रहे हो या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन कर रहे हो, अपने एड्रेस में करेक्शन कर रहे हो, अपने जेंडर में करेक्शन कर रहे हो, कुछ भी ए टू जेड अगर आप अपने आधार कार्ड में करेक्शन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप लगातार बने रहे। इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में एम आधार एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों, ये एप्लीकेशन बहुत ही काम की एप्लीकेशन है, हर व्यक्ति को इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल रखना चाहिए। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद में सबसे पहले आपको यहां से ओपन करना है और ओपन करने के बाद में इस एप्लीकेशन का फर्स्ट इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे जाएगा, यानी कि आपको अलाउ के बटन पर क्लिक करना है एंड अलाउ के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे अलाउ के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो आप यहां पर स्वाइप अप भी कर सकते हैं या फिर नीचे आप यहां पर स्किप के बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहां पर आई कंसल्ट पर क्लिक करना है। आप जैसे आई कंसल्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस लैंग्वेज का आ जाएगा। तो आपकी अगर लैंग्वेज चेंज है तो सिंपली आपको इंग्लिश पर क्लिक करना है और जो भी आपकी सुटेबल लैंग्वेज है वो इस लैंग्वेज में से आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली हम यहां पर इंग्लिश पर क्लिक करेंगे एंड यहां पर डन के बटन पर क्लिक करेंगे। डन के बटन पर क्लिक करने के बाद में यहां पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको रैंडमली एक मोबाइल नंबर फिल करना है एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगी। ओटीपी को यहां पर फिल करके सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, यानी कि आप इस एप्लीकेशन में सक्सेसफुल तरीके से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। इस एप्लीकेशन में आपको बहुत सारी सर्विसेज देखने को मिल जाएगी। आप यहीं से अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, यहीं से अपने आधार कार्ड को पीवीसी में मंगवा सकते हैं, यहीं से आप अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं, यहीं से अपने आधार कार्ड में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई कर सकते हैं, यहीं से अपने आधार कार्ड को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, यहीं से अपने आधार कार्ड की बायोमेट्रिक को आप लॉक कर सकते हैं, यहीं से अपने आधार कार्ड में नाम या नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, जेंडर हो गया, एड्रेस हो गया, ये सारी चीजें अपडेट या करेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड को यहां पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन माई आधार, रजिस्ट्रेशन माई आधार पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे रजिस्ट्रेशन माई आधार पर क्लिक करोगे तो यहां पर सबसे पहले आपको 4 डिजिट के एम पिन बनाने हैं, जो कि आप कुछ भी रैंडमली बना सकते हैं। तो यहां पर आप एम पिन बना लेंगे तो इसके बाद में आप यहां पर देख सकते हैं आपसे आधार नंबर मांगे जा रहे हैं। तो यहां पर आपको वो आधार नंबर फिल करना है जिस आधार कार्ड में आप करेक्शन करना चाहते हैं। आधार नंबर फिल करके सिंपली आपको ये कैप्चर कोड यहां पर फिल करना है एंड रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करना है। आप आधार नंबर फिल करके रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगी, जो कि ओटीपी को आपको यहां पर फिल करना है एंड वेरीफाई पर क्लिक करना है। आप जैसे वेरीफाई पर क्लिक करोगे तो आप यहां पर देखोगे आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, यानी कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपको यहां पर दिखाई दे जाएगा। यहां पर आप अपना आधार कार्ड भी देख सकते हैं और यहां पर स्वाइप अप करके अपने आधार कार्ड का जो बैक साइड है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं, यानी कि आपका आधार यहां पर सक्सेसफुल तरीके से रजिस्टर्ड हो चुका है। अब आप अपने आधार कार्ड में कुछ भी करेक्शन करना चाहते हैं, कुछ भी अपडेट करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहां पर आप नीचे देखोगे यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आधार अपडेट का, तो सिंपली आपको आधार अपडेट पर क्लिक करना है। आप जैसे आधार अपडेट पर क्लिक करोगे तो ऊपर आपके आधार नंबर आपको दिखाई देंगे और ये नीचे कैप्चर कोड दिखाई दे रहे हैं, ये कैप्चर कोड आपको यहां पर फिल करना है और वापस से आपको रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करना है। आप जैसे रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करोगे तो वापस से आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, तो ओटीपी को आपको यहां पर फिल करना है एंड वेरीफाई के बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, आप जैसे ओटीपी फिल करके वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देखोगे आपके सामने जो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, यानी कि आप यहां पर देख सकते हैं आपके आधार कार्ड में आप जो जो चीजें भी यहां पर अपडेट करेक्शन कर सकते हैं उसकी सारी लिस्ट यहां पर खुलकर आ चुकी है।
जैसे कि आप यहाँ पर अपने आधार कार्ड में नाम में करेक्शन कर सकते हैं इस एप्लीकेशन से, और डेट ऑफ बर्थ में भी करेक्शन कर सकते हैं। आप भविष्य में एक बार ही अपने आधार कार्ड की जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी मेरे आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कर लिया है, तो यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है वो हाईलाइट यहाँ पर नहीं हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आप जेंडर में करेक्शन कर सकते हैं एंड एड्रेस में आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। आप जिस जिस चीज़ में भी करेक्शन कर लोगे तो वहाँ पर जो एड्रेस लिखा हुआ है और डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है वो यहाँ पर हाईलाइट होना बंद हो जाएंगे। तो जिस चीज़ में भी आप करेक्शन करना चाहते हैं सिंपली आपको वो सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। अगर दो चीज़ों में आपको करेक्शन करना है तो आपको दो चीज़ें यहाँ पर सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप जो भी चीज़ अपडेट कर रहे हैं, जो चीज़ सही कर रहे हैं, एड्रेस या फिर जेंडर या फिर नेम, वो आपको सही नेम अपना फिल करना है। आपका पुराना नेम आपको दिखाई देगा और सही नेम आपको फिल करके आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। आप जो सही नेम कर रहे हैं उसकी एक आपको आईडी प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा और उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आपको यहाँ पर ₹50 का चार्ज पे करवाना है। यहाँ पर आपके आधार कार्ड में अपडेट की जो रिक्वेस्ट है वो ऑटोमेटिक ही सेंड कर दी जाती है और 24 घंटे में आपका आधार कार्ड यहाँ पर अपडेट हो जाता है। इसके अलावा रही यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की बात, तो आप इसी एप्लीकेशन के थ्रू अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के लिए अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप नीचे देखोगे अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, आप क्लिक करने के बाद में अगर आप अपने आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन अगर आधार सेंटर से करवाना चाहते हैं या फिर अपने आधार कार्ड में ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर अपडेट करवाना चाहते हैं, जुड़वाना चाहते हैं, तो यहां से आप बुक अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखा हुआ आ चुका है। यहां पर आपको अपने मोबाइल नंबर और कैप्चर कोड फिल करना है और यहां पर आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। आप जैसे सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे इसके बाद में आपको अपने एरिया के पिन कोड डालने हैं। आप जैसे ही पिन कोड डालोगे तो आपके आसपास के एरिया में जितने भी आधार सेंटर है वो आपको दिखाई दे जाएंगे, तो उस आधार सेंटर पर आपको अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है। आप जिस डेट को भी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे उस डेट को आप उस आधार सेंटर पर विजिट करके आसानी से आप अपने आधार कार्ड में ईमेल आईडी मोबाइल नंबर भी इस एप्लीकेशन के थ्रू अपडेट या फिर जुड़वा सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार आपको इस एप्लीकेशन में बहुत सारी सर्विसेज देखने को मिल जाती है। मैं यहाँ पर बात करूँ तो हर एक व्यक्ति को अपने आधार कार्ड में इस एम आधार एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप कंप्लीट अपने आधार कार्ड को यहीं से मैनेज कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पर आधार कार्ड को लेकर बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, तो आप अपने आधार कार्ड को यहीं से लॉक अनलॉक कर सकते हैं, अपने बायोमेट्रिक को भी यहाँ पर लॉक अनलॉक कर सकते हैं और इसी एप्लीकेशन के थ्रू अपने आधार कार्ड की जो बायोमेट्रिक है आधार कार्ड को लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं। दोस्तों आप इस एप्लीकेशन के थ्रू आधार कार्ड में किस प्रकार डेट ऑफ बर्थ या फिर एड्रेस या फिर नाम करेक्शन कर सकते हैं उसका वन बाय वन करके मेरे इस चैनल पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप जाकर हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी आपका और भी कोई कन्फ्यूज या फिर सवाल जवाब है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं।